हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बहुत ही यूजफुल रेसिपी। तो देखिए, आज मैं जिस चीज़ की रेसिपी आप सभी के लिए लाई हूँ, ये हमारे बॉडी में खून की कमी को पूरा करती है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आज की रेसिपी है हमारी चौलाई के साग की। तो मैं जिस तरीके से चौलाई का साग बनाती हूँ, आज मैं उस तरीके से आपको चौलाई का साग बनाना बताऊँगी। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का ही यूज कीजिए, उसका सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा होता है। तो देखिए, मैंने चौलाई ले ली है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और अब हम इसे साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसकी जड़ें, इसकी डंडी तो मुलायम ही होती है, तो इसकी जड़ें निकाल देंगे और इसे बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से चाकू की हेल्प से हम काट लेंगे। देखिए, इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे तो खाने में ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब ये देखिए, ये मैं बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से काट लूँगी इसको। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना बारीक ये काटा है। ये देखिए, ये कितना बारीक बारीक कटा है ना बिल्कुल। तो इसी तरीके का साग आपको काटना है। तो ये देखिए, ये मेरा सारा चौलाई का साग कट गया है। तो अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। देखिए, इसमें रेत बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे धोने के लिए हमें 2-3 बर्तनों का यूज करना होता है। इसे 2 से 3 बार हमें अच्छे से धोना पड़ता है। अब ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 2-2 मुट्ठी डालकर मैं थोड़ा थोड़ा इसे 2-2 मुट्ठी को भी मैं 3-3 बार वॉश कर लूँगी अच्छे से। अब ये देखिए, इस तरीके से इसका अच्छा से सारा रेत निकल जाएगा। पहले एक बर्तन में मैंने ये डाल लिया है, फिर इसे ऊपर ऊपर से निकाल कर दूसरे बर्तन में इसको डाल लूँगी इस तरीके से, जिससे कि वो रेत है वो नीचे इसी बर्तन में बैठ जाएगा। और फिर इस बर्तन में मैं पानी भर के इसे अच्छे से धो लूँगी, फिर इस बर्तन में इसे भी ऊपर ऊपर से निकाल कर एक छन्नी में निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, तो रेत हमारा दोनों बर्तनों में नीचे ही बैठ गया होगा। तो इसे पहले हम अच्छे से छन्नी में वॉश करके इसे कुकर में डाल देंगे और फिर से इन कढ़ाई वाले चौलाई को छन्नी में डालकर फिर से धो लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना रेत बैठ गया है। तो इसी तरीके से ने इसे धोने में बहुत ही टाइम लगता है, तो धोना इसे अच्छे से, तभी इसका खाने में टेस्ट पूरा आएगा। अभी देखिए, मैंने छलनी में सारा डाल लिया है, सारा मैंने इसी तरीके से धो लिया है थोड़ा थोड़ा करके। अब सारा लास्ट में भी मैं एक बार अच्छे से धो दूंगी। अब इसे रख दिया है मैंने एक साइड, जिससे कि इसका पानी निकल जाएगा। अब मैंने देखिए, फ्राई करने के लिए लहसुन ले लिया, इसमें लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है, तो लहसुन ज़्यादा ही लीजिएगा। ये मैंने साबुत 3 लाल मिर्च ले लिए हैं, और ये मैंने ले लिया थोड़ा सा जीरा, ये ले लिए मैंने बिल्कुल बारीक काट के प्याज, और प्याज में 1 डाल लिए काट के बारीक बारीक हरी मिर्च, और ये मैंने काट लिए देखिए बिल्कुल बारीक बारीक आलू। देखिए, आलू मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं, तो इसी तरीके के आलू आप काटिएगा। चलिए, अब हम लोहे की कढ़ाई ले लेते हैं। लोहे की कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, तो अब इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। अब सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा और साबुत लाल मिर्च। जीरा चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी प्याज, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक। अब इसे अच्छे से चलाते हुए हम इसमें डाल देंगे, इसके बाद जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें आलू डाल देंगे अपने। देखिए, इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है, उसके बाद इसमें आलू छोड़ने हैं। अब मैंने आलू इसमें छोड़ दिए हैं, तो अब इसमें हम अपने डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद डाल दूंगी इसमें हल्दी, उसके बाद डाल दिया धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी हींग। ये देखिए, अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी चौलाई डाल देंगे। ये देखिए, चौलाई डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस तरीके से हम इसमें सारी चौलाई अपनी डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके, और फिर सारी को मिक्स करके इसे कुछ टाइम के लिए ढककर, बिल्कुल ढककर बंद करके हम इसको रख देंगे इस तरीके से। तब इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए।
5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। इसे ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, तो चलिए ये देखिए, ये थोड़ी सी इस तरीके से पकने के बाद काम हो जाती है। तो इसे इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। इसे दोबारा ढक दिया है मैंने, फिर से बीच में से चेक करने के बाद दोबारा ढक देते हैं और फिर इस तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमारी भुर्जी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा आंवले का पाउडर। देखिए, अमचूर भी डाल सकते हैं लेकिन आंवला ज़्यादा फायदा करता है, तो ये फायदे की चीज़ बन रही है तो मैंने इसमें आंवले का पाउडर ही डाला है। आंवला मैंने घर पर ही पीस कर रखा हुआ है, तो ये मैं आंवले का पाउडर इसमें यूज कर रही हूँ हल्का सा खट्टाई के लिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में। देखिए, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने के बाद सब्जी कोई भी आप साथ के साथ निकाल लीजिए, नहीं तो वो काली हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं लोहे कढ़ाई में खाना बनाने के बाद उसे निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में। थैंक यू सो मच।